नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखिए चल रहा है बड़ा खेल। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा छात्र नेता दिलीप का कहना है। और ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है। साथ ही साथ देखिए चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस बार गड़बड़ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, आर पार होगा। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में काफी देरी हो रही है। जिस प्रकार टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिजल्ट आया था और उसका जो आंसर की जारी हुआ था, उससे अगर हम तुलना करें तो टीआरई 3 के रिजल्ट में काफी देरी हो रही है और आंसर की जारी करने में भी काफी देरी हुई है। आखिर इतनी देरी टीआरई 3 में क्यों हो रही है? टीआरई 2 के समय आंसर की जब जारी हुआ था तो परीक्षा समाप्ति के 3-4 घंटा के बाद ही आंसर की जारी हो गया था, और टीआरई 3 में परीक्षा समाप्ति के 1-1.5 महीना के बाद आंसर की जारी हुआ। और अभी भी फाइनल आंसर की में आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जा रहा है। तो ये कौन सा खेल चल रहा है? शिक्षक भर्ती के नाम पर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के नाम पर बिहार में ये कौन सा खेल चल रहा है? क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जा रहा है, तो आखिर कौन सा खेल फिर से शुरू हो गया बीपीएससी में? पहले बीपीएससी सिविल सेवा में कुछ क्वेश्चन को डिलीट किया जाता था, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत रहता था, और 2 साल से ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही थी। 2 साल से 68 को देखे, 69 को देखे, टीआरई 1 टीआरई 2 को देखे, तो उसमें तो आंसर गलत और क्वेश्चन डिलीट करने वाली बात नहीं हुई थी। लेकिन फिर से बीपीएससी में क्वेश्चन को डिलीट करने और आंसर गलत देने की जो फिर से शुरुआत हो गई है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है? कोई बड़ा खेल तो नहीं होने वाला है टीआरई 3 के रिजल्ट में? अभ्यर्थी डरे हुए हैं, हमारे पास कई अभ्यर्थियों का फोन आया है कि इतनी देरी हो रही है रिजल्ट में, आंसर की में इतनी देरी हुई, तो कोई खेल तो नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है? तो अभ्यर्थी डरे हुए हैं, एसटीईटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। दिसंबर में फॉर्म आया पिछले साल, और इस साल मई जून में परीक्षा हुई, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। जबकि पिछले साल सितंबर में जो एसटीईटी हुई थी उसका तो तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया गया था, तो फिर इस बार क्या हुआ? और एसटीईटी का सितंबर में विज्ञापन आना था, विज्ञापन नहीं बल्कि सितंबर में तो एग्जाम भी होना था, तो अभी तक विज्ञापन भी नहीं आया एसटीईटी का। जबकि सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि साल में 2 बार एसटीईटी होगी और सितंबर में 2रा एसटीईटी होगा, लेकिन सितंबर बीत जाने के बाद भी अभी तक एसटीईटी का विज्ञापन तक नहीं आया है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय इन लोगों की काबिलियत थी, बीपीएससी के पास पिछले साल बहुत काबिलियत थी कि तुरंत एग्जाम ले लिए, तुरंत रिजल्ट दे दिए, और इस बार काबिलियत नहीं है बीपीएससी के पास। इसी तरह बीएसईबी के पास उस समय काबिलियत थी पिछले साल कि हरबड़ी में एसटीईटी ले लिए और तुरंत रिजल्ट दे दिए, फॉर्म भी ठीक से भरने नहीं दिए लोगों को, परीक्षा का तैयारी का भी समय नहीं दिए, तुरंत हरबड़ी में परीक्षा ले लिए। उस समय बहुत काबिलियत हो गई थी एसटीईटी कराने के लिए बीएसईबी के पास, और इस समय कौन सी आपकी काबिलियत कहां चली गई कि दिसंबर में फॉर्म निकला अभी तक आप रिजल्ट नहीं दिए हैं, सितंबर में दोबारा एसटीईटी होना था अभी तक आपने विज्ञापन नहीं निकाला, तो ये काबिलियत कहां चली गई आप लोगों की? क्या इसको ये माना जाए कि पिछले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला था इसलिए इतनी हड़बड़ी की गई टीआरई 1 टीआरई 2 में और एसटीईटी में, और इस बार अभी चूंकि तुरंत कोई इलेक्शन नहीं होना है तो इसलिए देरी की जा रही है, जानबूझकर देरी की जा रही है क्या? कोई ना कोई बहाना बनाकर जानबूझकर देरी की जा रही है क्या? रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो रहा है, ये कौन सा बहाना हुआ? टीआरई 1 टीआरई 2 में रोस्टर क्लियरेंस कैसे जल्दी हो गया? टीआरई 1 के तुरंत बाद टीआरई 2 वैकेंसी आई, तुरंत एग्जाम हुआ, तुरंत रिजल्ट आया, उस समय कैसे रोस्टर क्लियरेंस हो गया? सिविल सेवा 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा का विज्ञापन आया उसमें रोस्टर क्लियरेंस हो गया, आपको ये शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? या जानबूझकर सरकार चाहती है कि लेट लतीफी करे क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है? क्या चल रहा है? अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है, सरकार बताए, शिक्षा विभाग बीपीएससी बताए कि टीआरई 3 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, कुछ तो बताए। ये कौन सा रोस्टर बन रहा है कि रोस्टर ही नहीं बन रहा है, आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो रहा है? ये बहानाबाजी है सिर्फ बहाना। अगर सरकार चाह ले तो 2 दिन में रोस्टर क्लियरेंस हो सकता है, लेकिन इतने दिनों से इनका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं
कि TRE 3 का रिजल्ट जल्द जारी करे, STET का रिजल्ट जल्द जारी हो और नया STET का विज्ञापन जल्द निकाला जाए, और साथ ही TRE 3 के रिजल्ट से पहले आप काउंसलिंग करवाइए। बार बार हम कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर फर्जीवाड़ा होगा। TRE 1 TRE 2 में जिस तरह से रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाया गया, और अभी आप देखिए कई जिलों से अधिकारियों का लेटर वायरल है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो TRE 1 TRE 2 में चयनित हुए उनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, वैसे लोगों का लिस्ट जारी हुआ और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं। तो उनके वजह से जो योग्य अभ्यर्थी नौकरी में नहीं जा पाए, कटअप के बराबर मार्क्स रहते हुए भी जो शिक्षक नहीं बन पाए, उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, उसके लिए दोषी कौन है वो जो बेरोजगार रह गए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि TRE 3 के रिजल्ट से पहले आप काउंसलिंग करवाइए और दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर कीजिए। रिजल्ट से पहले TRE 3 के रिजल्ट से पहले दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर कीजिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच आप कीजिए, उसके बाद आवासीय अन्य सर्टिफिकेट की जांच कीजिए। TRE 1 TRE 2 में भी जितने भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उन सब की भी एक बार फिर से बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम गठित करके हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय EWS SC कैटेगरी में हो तो SC सर्टिफिकेट, EWS EBC BC सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी में हो, NCL सर्टिफिकेट, यानी कि हर तरह के प्रमाण पत्रों की जांच अच्छे से किया जाए, दिव्यांगता की जांच की जाए, और जो भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं हो उन सबको TRE 1 TRE 2 से भी बाहर किया जाए, और TRE 3 में रिजल्ट से पहले ही इन सब चीजों की जांच की जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता ना हो और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन TRE 3 में हो और TRE 1 TRE 2 में जो भी किसी फर्जी तरीके से आ गए या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के आ गए या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन सब को भी बाहर किया जाए, इसके लिए एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप हैं, देखिए साफ साफ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है, कहीं बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब TRE 1 और TRE 2 की जब परीक्षा ली गई थी तो उसका रिजल्ट तुरंत दे दिया गया, लेकिन इस रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है, रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी कह रहे हैं कुछ भी गड़बड़ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, आर पार होगा। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।